और दूसरा इसमें ये होगा कि जो चीज़ें हमारे पास लिपिड इनसॉल्युबल होती है ना, वो हमारे पास इजीली उसको क्रॉस नहीं कर सकती। वाटर जो होता है वो भी हमारे पास लिपिड में सॉल्युबल तो नहीं होता, लेकिन वो उसको इजीली क्रॉस कर जाता है। उसकी क्या रीज़न होती है वो यहाँ पे इन्होंने बताया कि हमारे पास ना कुछ पोर्स होते हैं, एक्वापोरिन्स होते हैं, कुछ चैनल्स होते हैं जो कि सिर्फ वाटर को ट्रांसपोर्ट करवा रहे होते हैं, उनको हम एक्वापोरिन्स कहते हैं। ठीक है, 13 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और दूसरा यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स को वो स्पेशली ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। ठीक है, ये आपने एक दफ़ा इसको देख लिया। उसके बाद डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन पोर्स एंड चैनल्स सेलेक्टिव एग्रीगेटिंग। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, आपने इसमें ये डायग्राम देख लेनी है एक दफ़ा। इसको पूछ लेते हैं अक्सर वाइवा में पूछ लेते हैं इसके बारे में। ये पोटाशियम चैनल बेसिकली दिया हुआ है। इसमें क्या है, ये हमारे पास टेट्रामेरिक पोटाशियम चैनल होता है। इसमें ये हमारे पास 4-1-2-3-4 प्रोटीन के सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास ये दो इसमें पोर लूप्स होते हैं ऊपर को, और इसके मिड में हमारे पास एक सेलेक्टिविटी फिल्टर बनता है। बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे साइड से हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन इसको लाइन किया हुआ होता है। ये रेड कलर में जो दिखाई है हमारे पास पोटाशियम आयन है, पोटाशियम चैनल है, पोटाशियम आयन को ट्रांसपोर्ट करवाएगा। अब यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन होती है, जब हमारे पास पोटाशियम आयन्स हाइड्रेटेड फॉर्म में, हाइड्रेटेड पोटाशियम आयन्स जब आते हैं तो ये हमारे पास क्या करते हैं कि ये कार्बन और ऑक्सीजन जो होती है उसे वाटर को खींच लेती है, और डिहाइड्रेटेड जो पोटाशियम होता है वो इनसाइड मूव कर जाएगा। ये इसका मेकनिज़म है, इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ बताई हुई है। ठीक है, उसके बाद और इसमें दूसरा ये चीज़ है कि जो पोटाशियम का चैनल है वो पोटाशियम को स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्ट करवाएगा, और इसी तरह जो हमारे पास सोडियम का होगा वो सोडियम को ही करवाएगा। ठीक है, अब दूसरी थी हमारे पास गेटिंग। गेटिंग में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास गेट्स बने हुए होते हैं आयंस वगैरह को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास गेटिंग में हमारे पास क्या होता है, दो तरह के गेट होते हैं, एक वोल्टेज गेटिंग होती है और एक लाइगेंड गेटिंग होती है। ठीक है, वोल्टेज गेटिंग में क्या होता है, हमारे पास इधर मेम्ब्रेन में इनसाइड नेगेटिव बहुत ज़्यादा चार्ज था। ठीक है, जिस सपोज कर रहे हैं मेम्ब्रेन के इनसाइड हमारे पास नेगेटिव चार्ज था, हमारे पास क्या हुआ कि इनसाइड कोई ऐसी चेंज आया जिस वजह से नेगेटिविटी कम हो गई, इनसाइड नेगेटिविटी कम हो गई है, तो हमारे पास क्या हुआ कि ये जो हमारे पास सोडियम का गेट था जो कि आउटसाइड होता है, ठीक है, ये आपको ये पता होना चाहिए, ये भी पूछते हैं कि सोडियम का गेट आउटसाइड होता है या इनसाइड होता है। अब देखिए ये किस तरह पता चल रहा है कि जो हमारे पास सोडियम आयन्स है, सोडियम आयन्स की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होती है, एक्सेस सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होती है, तो उसका गेट भी बाहर को होगा, वो बाहर से उसकी कंसंट्रेशन को कंट्रोल करेगा। अब यहाँ से सोडियम आयन्स जो आ रहे होते हैं वो जब इनसाइड नेगेटिविटी कम होगी, इनसाइड जो नेगेटिविटी कम होगी तो हमारे पास गेट ओपन होगा और सोडियम आयन इनसाइड मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देन और ऐसा कब होगा, डीपोलराइजेशन में हमें पता है कि सोडियम आयन्स इनसाइड मूव करते हैं। ठीक है, और जिससे जब वो सोडियम आयन्स इनसाइड मूव करते हैं तो हमारे पास क्या जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो हमारे पास सोडियम गेट का ओपन होना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाएगा, ये एमसीक्यू के लिए आपको पता होना चाहिए। दूसरे हमारे पास पोटाशियम का गेट, अब पोटाशियम हमारे पास इनसाइड ज़्यादा होता है, सेल अगर हम कोई सेल लेते हैं तो सेल के इनसाइड हमारे पास पोटाशियम ज़्यादा होता है और आउटसाइड हमारे पास सोडियम ज़्यादा होता है, आउटसाइड सोडियम ज़्यादा था, फिर उसके गेट में बाहर को था। ठीक है, गेट की जो ओपनिंग थी, और यहाँ पे हमारे पास पोटाशियम इनसाइड ज़्यादा है तो गेट की ओपनिंग इनसाइड है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास पोटाशियम जो होता है जब इसका गेट ओपन होगा तो पोटाशियम हमारे पास बाहर चला जाएगा यूँ, और उससे जो हमारे पास रीपोलराइजेशन हो जाती है। ठीक है, उससे हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारा एक्शन पोटेंशियल होता है वो टर्मिनेट हो जाता है। ये चीज़ हमारे पास वोल्टेज गेटिंग में पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद केमिकल और लाइगेंड गेटिंग इसे कहते हैं। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि जो गेट ओपन हो रहा है या क्लोज़ हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, केमिकल किसी केमिकल के बाइंड करने से। ठीक है, वो केमिकल कुछ भी हो सकती है, कोई ड्रग भी हो सकती है, ठीक है, कोई न्यूरो ट्रांसमीटर भी हो सकता है। अब हमारे पास इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे पास कोई भी एक चैनल होगा उसमें हमारे पास कहते हैं हम एसिटाइलकोलीन की एग्जांपल इन्होंने दी हुई है। एसिटाइलकोलीन जो होती है वो अपने रिसेप्टर्स के ऊपर आके बाइंड करती है, वहाँ से वो चैनल ओपन हो जाते हैं। ठीक है, और जो जिस भी चीज़ की उन्होंने ट्रांसपोर्ट करवानी होती है, जो वो चैनल जिस चीज़ का होता है, अगर वो कैल्शियम का, सोडियम का, पोटाशियम का, तो उन चीज़ों को वो ट्रांसपोर्ट करवा देगा। ठीक है, लेकिन वो चैनल तब भी ओपन होगा जब एसिटाइलकोलीन उसके ऊपर आके बाइंड करेगी, तो ये हमारे पास है केमिकल गेटिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑल और नन फैशन बताया हुआ है। ऑल और नन फैशन में हमारे पास क्या चीज़ आती है कि अगर कोई गेट ओपन हो रहा है तो वो कम्प्लीट ओपन होगा, और अगर कोई गेट क्लोज हो रहा है तो वो कम्प्लीटली क्लोज होगा, ये नहीं कि आधा बंद है और आधा खुला होगा, इस तरह नहीं होगा। ठीक है, पेज क्लैंप मेथड इसमें कुछ भी नहीं है, कभी भी नहीं पूछा गया आज तक, और कुछ भी नहीं आता। उसके बाद ये फैसिलिटी डिफ्यूजन रिक्वायर्ड्स मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन्स, ये आपने ये
याद रखना, जो हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है ना, उसे कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन क्यों कहते हैं, इसकी एग्जांपल आगे दी हुई है, मैं आपको उससे बताती हूँ कि लाइक इसका क्या मतलब है। यहाँ पे आपने एक वीमेक्स की टर्म का आपको पता होना चाहिए कि वीमेक्स क्या होता है। ठीक है, वीमेक्स होता है कि किसी भी चीज़ को अगर आप डिफ्यूज़ करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप किसी भी चीज़ को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात हो रही है, वो एक हद तक होगी, एक लेवल होगा, उससे ज़्यादा वो डिफ्यूज़ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो चैनल्स होते हैं ना, वो सेचूरेट हो जाते हैं। ठीक है, सेचूरेट हो जाएंगे और हमारे पास मज़ीद वो चीज़ ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मज़ीद नहीं होगी। अभी उस लेवल को, उस लिमिट को हम कहते हैं वी मैक्स। ठीक है, ये क्या है कि रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन कंटिन्यूज टू इंक्रीज, बट इन केस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द रेट ऑफ डिफ्यूजन कैन नॉट राइज हायर देन वी मैक्स। ठीक है, वी मैक्स से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, ये वो लिमिट उन्होंने दे दी है। अब यहाँ पे इन्होंने इसकी एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्लूट का पता होना चाहिए। ग्लूट क्या होता है, हमारे पास ये ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर्स होते हैं हमारे पास, जो कि ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवा रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास वो कह रहा है कि 14 मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक फैमिली होती है, ये हमारे पास ग्लूकोज को भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ना हमारे पास ग्लूकोज की भी होती है और इमिनो एसिड्स की भी हो रही होती है। अब ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए हम ग्लूट यूज़ करते हैं। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह। यहाँ पे आपने ये याद रखना है, एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हमारे पास जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 होता है ना, ठीक है, ग्लूट 4, वो किससे एक्टिवेट होता है, इंसुलिन से। मीन्स कि वो इंसुलिन सेंसिटिव होता है। बिलफर्स अगर ये हमारे पास ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इंसुलिन के लिए यू एक वो उसका वो रिसेप्टर होगा। ठीक है, अभी बंद होगा। ठीक है, ये बंद है यहाँ से। जब तक यहाँ पे हमारे पास इंसुलिन आके अटैच नहीं होगी, ये चीज़ ओपन नहीं होगी यहाँ से। ठीक है, इंसुलिन आएगी, इसे अटैच होगी और फिर ग्लूकोज इनसाइड मूव कर जाएगा। इस तरह इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करती है। इंसुलिन ने ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, जब हमारे पास ग्लूकोज ब्लड में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इंसुलिन आके अटैच हुई, सेल ने ग्लूकोज को अंदर ले लिया और ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर लिया। ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ पर याद रख लेनी है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन के होते हैं। यहाँ पे उन्होंने दो चीज़ें बताई हुई हैं, एक तो डिफ्यूजन का रेट है, कंसंट्रेशन। एक फैक्टर जो है वो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास डिफ्यूजन हो रही होगी। ठीक है, नीचे से आपने ये फार्मूला देख लेना, नेट डिफ्यूजन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन आउटसाइड माइनस इनसाइड। इसमें ये डायग्राम देखें, अगर हमने डिफ्यूजन देखनी है, डिफ्यूजन का रेट क्या है, तो उसमें हम क्या देखेंगे कि कंसंट्रेशन आउटसाइड माइनस इनसाइड। यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, यहाँ पे कम है, तो हम इसमें से ये इसको माइनस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि रेट क्या है, किस हिसाब से चीज़ यहाँ से यहाँ पे डिफ्यूज़ हो रही है। ये उन्होंने बताया हुआ है कि जो नेट डिफ्यूजन रेट होता है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन डिफरेंस के अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सेकेंड चीज़ उन्होंने यहाँ पे हमारे पास नर्स पोटेंशियल की बताई हुई है। ठीक है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो आ रहा होता है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस वाले आइंस हैं, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्जेस वाले मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, हमने क्या किया है, यहाँ पे मेम्ब्रेन के ऊपर देखिए न्यूट्रल था। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरफ हमने इनसाइड हमने पॉजिटिव दे दिया, ये इनसाइड है मेम्ब्रेन की। ठीक है, ये आउटसाइड है, यहाँ पे हमने इनसाइड में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दे दिया और यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया मेम्ब्रेन। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव है यहाँ से नेगेटिव तो रिपेल करेगा, ये जो नेगेटिव हमने दिया ये नेगेटिव नेगेटिव से यहाँ पे इसकी रिपल्शन होगी, लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव है ये सारे नेगेटिव इनसाइड मूव कर जाएंगे और इस पॉजिटिव से, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जो है इनसाइड उसको अट्रैक्ट करेगा और ये सारे आयंस को इधर अंदर की तरफ खींचेगा। तो हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट डायग्राम में उन्होंने दिखाया हुआ है कि यहाँ पे वो जो इतने ज़्यादा बाहर नेगेटिव थे वहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत कम हो गई हुई है और वो मैक्सिमम इधर आ गए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने तो इसमें ये चीज़ आपने ये वाली लाइन याद कर लेनी है कि जो कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है ना वो ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस के। देखिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है ना जो हम पोटेंशियल लेते हैं, और यहाँ पे कंसंट्रेशन का किस तरफ है, यहाँ से यहाँ हाइट से लो, तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे जो हमारे पास पोटेंशियल डिवेल्प हो रहा था जो कि एक स्पेसिफिक आयन को ट्रांसपोर्ट करवा रहा होता है। ठीक है, अगर हम एक आयन की बात करते हैं तो वो हमारे पास नेस्ट पोटेंशियल होता है। ठीक है, नेस्ट पोटेंशियल यूनिवेलेंट आयन के लिए होता है, जैसे कि हम सोडियम ले लेते हैं, किसी भी एक पोटेंशियल के किसी भी एक आयन के लिए जो पोटेंशियल चाहिए होता है ना उसको हम कहते हैं मूव करवाने के लिए। अब EMF उसका फार्मूला दिया हुआ है, प्लस माइनस 61 लगे, आप बस याद कर लें फार्मूला, ऐसा कुछ भी नहीं है।
उसके बाद यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ इफेक्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस, जितना ज़्यादा डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा, ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ पे देख ली, उसमें कुछ नहीं। उसके बाद ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखी हुई है, वो हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे पास सोल्यूशन दिया हुआ है, इसमें वाटर भी है, इसमें सोल्यूट्स भी दिए हुए हैं। वाटर हमेशा क्या करता है, ये जो ब्लू वाले हैं ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल हमेशा हायर सोल्यूट की तरफ मूव करना होता है, हायर सोल्यूट या फिर लो वाटर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर इसको दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है, सोल्यूट के अकॉर्डिंग भी किया जा सकता है और इसको वाटर के अकॉर्डिंग भी डिफाइन किया जा सकता है। कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे सोल्यूट्स ना होने के बराबर है, यहाँ पे सोल्यूट्स कितने ज़्यादा हैं, ये जो ग्रीन में और येलो में ब्लू वाली वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स को शो किया हुआ है, तो वाटर हमेशा हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो हम ऑस्मोसिस कहते हैं वाटर की मूवमेंट टूवर्ड्स हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन और लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ जब वो मूव करता है, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड, ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपने कर लेनी है।